हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो देखो, लास्ट लेक्चर हमने आपको बताया था डेरिवेशन ऑफ सेक्शन फॉर्म, इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट आई डिस्कस इन अर्लियर क्लासेस। ओके, अब देखो यहाँ से इस सेक्शन फॉर्मूले को हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, हमने सेक्शन फॉर्मूला बिल्कुल आप देख सकते हो, मैं लास्ट लेक्चर में सब गिरा दिया। चलो, अब देखो इन दिस लेक्चर वी जस्ट सॉल्व सम प्रॉब्लम्स जस्ट इन सेक्शन फॉर्मूला। अब देखो, अब थोड़ी सी ये देख लो, अगर सपोज करो ये कह रहा है कि अगर मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1, अगर ये आपसे कह दिया जाए, जस्ट ये बताओ, और आपसे ये कह दिया जाए ये कोई लाइन सेगमेंट है, तो सोचो ये मान लो एक लाइन सेगमेंट है। देखो हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ये थोड़ा सा रिजल्ट, ये मान लो x1, y1 था और ये बी कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट कितना है x2, y। पक्का? सपोज कर ये कोई आपका पॉइंट पी था, हम ये कह रहे हैं ये जो पी पॉइंट है ना, इसको 1:1 के रेशियो में डिवाइड करो। 1:1 का मतलब बिल्कुल हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर रहा है, मतलब ये वन है तो ये भी वन है, यानी ये वन होने का मतलब M1 की वैल्यू कितनी है, वन, और M2 की वैल्यू कितनी है, तो इसकी भी वैल्यू वन है। अभी हमने अब ये कह रहा है अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा, इसका कोऑर्डिनेट आएगा, कोऑर्डिनेट आएगा एक्स पी जो है बी होगा ना, इसका कोऑर्डिनेट एक्स का वाई, इसका जो भी कोऑर्डिनेट एक्स का वाई आएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हो क्या, फॉर्मूला आपको क्या हमने बताया था, इंटरनली अगर डिवाइड करें तो m1 x2 m2 x1 m1 y2 m2 y1 m1 प्लस। पक्का? अब चलो ये हुआ, m1 के प्लेस हम क्या रखेंगे, देखो हमने m1 क्या बताया था, 1, और m2 क्या है, 1। M1 प्लस 1 रखोगे तो ये आपका होगा 1 इंटू x2 क्या है, x2 है तो ऐसे रखो x2, अब प्लस m2 भी देखो 1, यानी 1 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2। पक्का? और कामा फिर m1 क्या है, 1, यानी 1 इंटू y2 अब प्लस 1 इंटू y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, आफ्टर सिंप्लीफाइंग जस्ट यू गेट व्हाट, ये देखो x2 प्लस x1, इसका मतलब क्या हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2। अरे बाबू ये बताओ, एक लड्डू प्लस एक लड्डू या एक लड्डू प्लस दो लड्डू ले लो, ये कितना आता है, 3 लड्डू, और अगर हम 2 लड्डू प्लस 1 लड्डू कहें चलिए तो 3 आएगा ना। दैट्स इट मींस दे मस्ट फॉलो व्हाट टाइप ऑफ दिस प्रॉपर्टीज, दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव एडिशन के रेस्पेक्ट में कम्यूटेटिव है, मतलब a प्लस b करो और या b प्लस a करो, ये नंबर्स के एडिशन है, ध्यान देना एडिशन के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ये कम्यूटेटिव ला फॉलो होता है, दैट्स व्हाई वी कैन राइट x2 प्लस x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन, देख नीचे क्या है, तो नीचे का सर m1 प्लस m2 है, और इधर हम कहेंगे वाओ क्या है, सिमिलरली आपका सर y1 प्लस y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ध्यान देना, एक्चुअली देखो यहाँ अगर आपने m1 m2 की वैल्यू रखा ना, यहाँ भी तो आप रख सकते हो ना, तो खुद सोचा अगर m1 m2 की प्लेस हम रखे 1 1, यहाँ से क्या आएगा, ऐसे रख सकते हो, ये m1 प्लेस 1 प्लस 1, ये भी कितना आएगा, ये 1 प्लस 1, तो ये फाइनली कितना आएगा 2, और ये भी फाइनली कितना आ जाएगा, ये आपका 2। तो ये आपका मिड पॉइंट का ये कोऑर्डिनेट है, जो पी है एक्स का वाई है ना, इसका ये कोऑर्डिनेट, समझ पा रहे, नहीं समझ पा, मतलब जो अगर सपोज करो यही हम आपको बता रहे, सपोज करो ये आपको रेशियो ऐसे कह देता, सपोज करो ये हमने 1 दिया था ना, सपोज ये रेशियो 2 दे देता है, यहाँ से ये एपी का ये जो रेशियो है ये कहता 5, अब कहता इसके जो भी पी है इसका कोऑर्डिनेट बताओ, तो सिंपल सवाल कुछ नहीं, बस m1 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 2 और m2 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 5, एंड देन सिंपलीफाई देन यू गेट योर आंसर। ओके चलो, तो ये हो गया। अब इसके बाद से आप देखो, इसके बाद से यस ये आप देख सकते हो, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो ये कह रहा है, ये देखो जो हमने आपको बताया कर सकते हो, ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट टू व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डी एंड दिस इन दिस रेशियो इंटरनली। तो सिंपल सा देख लो इस क्वेश्चन को, आप बस ये क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, इसके बाद से ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, जैसे ये आपको देखो ये कह रहा है आपको पी फाइनल कोऑर्डिनेट बताना है ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट डी, मान लीजिए आपको कोई पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 4, -3, और ये कोई पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट कितना है तो 8, 5 है। ठीक है, और ये मान लो यहाँ से और यहाँ तक ये कोई लाइन सेगमेंट है, इसको हमने ज्वाइन कराया,
अब ये कह रहे किस रेशियो में, तो कह रहा है 3:1 पे। 3:1 का मतलब 3:1 का मतलब क्या, इधर 3 पार्ट होना चाहिए, तो ये मान लो आपका 3 पार्ट है यहाँ, और इधर 1 पार्ट, ये आपका हो गया ए और मान लो पी, ये 3:1 का रेशियो हो गया। ठीक है, अब चलते हैं 3:1 का होने का मतलब हमने क्या कहा, ये होता है M1 और ये होता है M2। अब फार्मूला लगा लो, आपको P जो भी कोऑर्डिनेट मान लीजिए कोई आपके यहाँ पॉइंट P है, ऐसे नहीं P तो एक्चुअली हमने हाँ यहाँ मान लो कोई पॉइंट P था, इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसका मान लो कोऑर्डिनेट आपका एक्स कम वाई, ये P का कोऑर्डिनेट है एक्स कम वाई। ठीक है, तो पी एक्स कम वाई है, ये हो जाएगा। अभी जस्ट हमने आपको फार्मूला क्या डिस्कस कराया था, फार्मूला क्या हमने डिराइव कराया था वैसे, तो फार्मूला आप क्या लिख सकते हो, हाँ तो फार्मूला देख लो आपका आएगा M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन व्हाट, M1 प्लस M2 कॉमा M1 Y2 और प्लस M2 Y1 अपॉन M1 प्लस, इज इट क्लियर। चल तो आप आओ फिर क्या करो, M1 की प्लेस में क्या रख सकते हो 3, X2 प्लेस में देखो, ये हमने जस्ट आपसे बताया था ये होता है X1 और ये होता है Y1, ऐसे लिख लेना आप एग्जाम में, ये होगा X2 और ये होगा Y2। तो ये बताओ X2 को प्लेस पर क्या है, तो कहो कि सर X2 को प्लेस पर तो 8 है, तो रखो ना, ये कंफ्यूज क्या हो रहा, नहीं समझ में आ रहा। चल 8 आप प्लस M2 क्या है, तो M2 को सर 1 है, बिल्कुल 1 है। X1 क्या है आपका, तो सर X1 4 है, बिल्कुल 4 है। अपान M1 प्लस M2, M1 कितना है 3, M2 कितना है 1, यानी 3 प्लस 1। सिमिलरली M1 कितना है, तो आपका सर M1 3 है, Y2 कितना है, तो Y2 आपका जस्ट वेट Y2 आपका 5, ओके। प्लस M2 कितना है, तो M2 आपका है यहाँ जस्ट वेट 3, नहीं सॉरी M2 1 है ना, ओके। Y1 कितना है, Y1 तो आपका यहाँ 3 है, अपॉन M1 प्लस M2 का मतलब 3 प्लस 1। अब फाइनली इसको सॉल्व कर लो, देन गेट योर आंसर, ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 4 अपॉन 4 कॉमा 15 माइनस 3 अपॉन 4। आफ्टर सिंपलीफाइंग जस्ट यू गेट 24 प्लस 4 मतलब 28, 28 प्लस 4 मींस 7, और ये 15 माइनस 3 मतलब 12, 12 बाई 3 मतलब 4 मतलब 3, यानी जो पी पॉइंट इसका कोऑर्डिनेट कितना आया 7 कॉमा 3, और ये आपका फाइनल आंसर। बस ऐसे आपके क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, कर सकते हो, इट्स वेरी इजी। देखो ये आपका क्वेश्चन था, देखो इसका कोऑर्डिनेट कितना आया था, हमने कितना सॉल्व किया 7.3, ये भी आप देख सकते हो कोऑर्डिनेट इज दिस रिक्वायर्ड फॉर, समझ पा रहे हैं। ऐसे आप क्वेश्चंस को करोगे और उसके बाद से सही, ठीक है। अच्छा अब ये देखिए थोड़ा सा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है, ये जो कह रहा है इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, अब ये आपको रेशियो फाइंड आउट करना है। रेशियो फाइंड आउट करने के बाद आपको M1 is to M2 फाइंड आउट करना है, और M1 की वैल्यू और M2 की वैल्यू सेम है इसमें, जैसे मान लो ये पॉइंट ये x का y हो जाएगा, और यहां से M1 x2 ऐसे रख लो, दोनों को कंपेयर करो, वहां से M1 और M2 की वैल्यू मिल जाएगी, बस सिंपल से ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये देखो हमने आपको ये सब करा दिए, ओके। अब देखो थोड़ा सा इसमें एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन कर सकते हो, सिर्फ एक्सरसाइज वैसे है भी, देखो जैसे ये क्वेश्चन आप देख सकते हो, कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग जॉइन ऑफ दिस एंड दिस इन द रेशियो इन दिस, इट्स वेरी इजी, कुछ नहीं आप ये बस अभी जस्ट हमने क्वेश्चन करा है, तो वही ठीक है। फिर ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस एंड दिस, अभी कह रहा है ट्राइसेक्शन का मतलब क्या, ट्राइसेक्शन का मतलब 3 इक्वल पार्ट में उसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये अगर 3 इक्वल पार्ट में ब्रेक कर रहा है, आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, समझ में आ रहा है, ऐसे आप ये सारे कर सकते हो। चलो अब ये देखो, यस अब ये फिर वही बात कर रहा है, फाइंड रेशियो, आपको एक्चुअली रेशियो पूछा गया, जैसे हमने पीछे बताया था M1 और M2 की वैल्यू यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपके क्वेश्चन है, यू कैन आसान है, ठीक है। चल अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये सब वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जस्ट इसमें देखो हम आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बता देंगे कैसे आप फाइंड आउट करोगे, ठीक। एक चीज बस इसमें आपका फार्मूला होता है, अगर इस फार्मूले को फॉलो करोगे तो आपका आसानी से एरिया, जैसे इसमें एरिया का ट्रायंगल होगा, जस्ट वेट, एरिया ऑफ ट्रायंगल जस्ट ये आपका है एरिया ऑफ ट्रायंगल, आपको सर हाफ बेस डिवाइड, ठीक है, वो होता है किसमें
जब आपको कोऑर्डिनेट ना गिवन है, लेकिन अगर कोऑर्डिनेट गिवन है तो इसका अगर आप हमें कह रहा हो एरिया आप बताओ, तो ये लिखोगे आप हाफ ब्रैकेट में एक्स वन वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस एक्स टू, ठीक है वाई टू माइनस वाई थ्री, उसके बाद क्या आएगा जस्ट वेट, उसके बाद आप देख सकते हो साइकिल में क्यों चलता है वाई टू माइनस वाई थ्री फिर वाई थ्री माइनस वाई वन फिर देखो ये एक्चुअली एक्स वन एक्स टू तो यहाँ क्या है एक्स थ्री, अच्छा ये देखो ये वाई टू माइनस वाई थ्री प्लस जिससे एंड हुआ उसी से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे आप लर्न करने का तरीका हो रहा है, ये जिससे एंड हो रहा है ना वह उसी से स्टार्ट हो रहा है, अब प्लस ये देखो वाई से वाई वन से एंड हो रहा है तो क्या इसी से स्टार्ट होगा तो वाई वन माइनस वाई, तो ये आपके जैसे जैसे ये है सपोज करो आपका हमने एक ट्रायंगल दे दिया, सपोज करो ऐसा आपको कोई देगा एक ट्रायंगल, सपोज दिस इज अ ट्रायंगल ओके एंड इट्स कोऑर्डिनेट मान लो ए है जिसका कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, बी कोऑर्डिनेट है जिसका काम कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है, कोई सी जो कोऑर्डिनेट है जिसका काम कोऑर्डिनेट x3 कामा y3, और आपसे हम ये कहें ये जो ट्रायंगल है इसका आप एरिया फाइंड आउट करो, सिंपल सा कुछ नहीं, ये जो भी पॉइंट होगा मान लीजिए जैसे सपोज भी न्यूमेरिकल ले सकते हो, ये मान लो कोऑर्डिनेट इसका कामा 2 कामा 5 है, कोऑर्डिनेट ए है बी है मान लो 3 कामा माइनस 8 है और सी है मान लो 5 कामा 6 है, तो हम आपसे ये कह रहे हैं ये जो ट्रायंगल फॉर्म है इसका एरिया बताओ, तो सिंपल से कुछ नहीं कहोगे आप इसको x1 बोल देना y1 x2 y2 ऐसे और ये x3 और कामा y, अब इसका सभी से कंपेयर करो एक एक का कंपेयर करके यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, अब वैल्यू रखोगे जो भी आएगा ना वो आपके एरिया ट्रायंगल इसका एस्टीमेट तो वो आपका फाइनल है। आप ध्यान देना कभी कभी ये कहता है ना कि कूलिंग आपसे ये कह देगा कि मतलब कौन एक्स या एक्स वन एक्स टू इसमें एक कोऑर्डिनेट मिस कर देगा, इसमें यहाँ कुछ कम कर दे फाइव एक्स कर दे, कहेगा एक्स की कौन सी वैल्यू के लिए आप के की कौन अमाउंट के कर दे, के की कौन सी वैल्यू के लिए इस जो ट्रायंगल है ना ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा कोलिनियर टाइप का ऐसे हो जाए, जैसे देख सकते हो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं ये यस ये कर सकते हो ठीक है, देखो ये हमने आपको बता रखा तो ये हम कह रहे थे जैसे ये देखो ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल व्हिच वर्टिसेस दिस दिस लाइन, जस्ट स्मरण के फॉर्म में खत्म, समझ पा रहे हैं ना ठीक है, अब देखो इसमें अच्छा हम क्वेश्चन आपको बता रहे हैं बताने जा रहे हैं यस, अब पहले ये भी समझ लो ये कह रहा है इफ दिस दिस एंड दिस आर द वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटर फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर, इसमें बताओ इट्स वेरी इजी, जैसे ये कह रहा है कोई क्वाड्रिलेटर है मान लो हमने एक क्वाड्रिलेटरल सपोज करो हमने यहाँ एक कंस्ट्रक्ट कर लिया ऐसे बड़ा था कुछ भी ले लो क्वाड्रिलेटर, सपोज करो इसका क्वाड्रिलेट गिवन है एक्स वन कामा वाई वन, सपोज करो बी है इसका क्वाड्रिलेट एक्स टू कामा वाई टू, ये मान लो सी है इसका क्वाड्रिलेट एक्स थ्री कामा वाई थ्री और ये मान लो डी है इसका क्वाड्रिलेट एक्स फोर कामा वाई फोर, अगर हम आपसे ये कह दें अगर इसका क्वाड्रिलेट हम आपसे कहें ये क्वाड्रिलेटरल है और आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करना है तो बहुत सर एरिया कैसे फाइंड आउट करें, ऐसे देखो कुछ कंफ्यूजन नहीं है इसमें, कंफ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप ट्रायंगल का पढ़े हो ना ट्रायंगल का एरिया अगर कोऑर्डिनेट अगर आपको पता हो तो इससे आप एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, तो आप कहो सर अगर सपोज करो हम यहाँ से सपोज करो सर अगर हम यहाँ से एक लाइन ज्वाइन करा दें कहीं बिल्कुल सही, तो आप कहो सर यहाँ दो ट्रायंगल फॉर्म हो गया कहीं बिल्कुल सही, दोनों ट्रायंगल फॉर्म के कहो सर क्या हम दोनों ट्रायंगल के एरिया और जो फाइंड आउट करके इनको ऐड कर दें तो क्या हमें पूरे क्वाड्रिलेटरल के लिए नहीं मिल जाएगा, हम कहेंगे बिल्कुल सही आप बिल्कुल सही सोच रहे हो आप पक्का सही भी है, समझ पा रहे हैं, तो आपको अगर फाइंड आउट करना हो एरिया क्वाड्रिलेटरल सपोज करो एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी सॉरी एरिया क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी This must be equal to what? बताओ area of triangle ABD plus area of triangle what? बताओ BCD बस हो गया कुछ सोचो ना जी, अरे ये पूरा ये क्या है quadrilateral है, अगर जो ये बताओ अगर जो हम बताओ इसका एरिया ये पूरा एरिया और प्लस ये जस्ट वेट ये पूरा है ये अगर इन सबको हम फाइंड आउट करके अगर ऐड कर दे तो ये बताओ ये क्या हमें पूरा एरिया नहीं मिल जाएगा, तो बिल्कुल सब मिल जाती है फाइनल आंसर, और आप जानते हैं जब तीन आपको क्वांटिटी बनाते हैं या कैसे निकालते जो कि अभी जस्ट हमने फार्मूला को डिस्कस करा है।
समझ में आ रही है, समझ में आ रहा है? ओके, तो ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। और इसमें देखिए क्वेश्चन, यस फिर कहते हैं वही हम क्वेश्चन कह रहे हैं, जैसे देखो ये कह रहा है, इसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे, अब मिल गया। देखो ये कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये समझ का ना, के की वैल्यू पूछेगा फॉर विच द पॉइंट एट कोलिनियर। यस, अगर जहां भी आप चीजें कहा गया ना, मतलब कौन सी वैल्यू के लिए आपका कोलिनियर होगा, या ट्राइंगल का एरिया का है कोलिनियर टाइप, इस टाइप का, तो इसमें कुछ नहीं कर किया जाता। जो भी आप ट्राइंगल का एरिया निकाल रहे, फाइंड आउट कर रहे हो ट्राइंगल का, जो भी आप एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, जैसे ऐसे जैसे आप करते हैं ना, यहाँ एरिया आप ऐसे देखो, आप क्या करते हैं एरिया ट्रायंगल ऐसे कुछ करते होगे, एरिया ट्रायंगल जो भी मान ए बी सी है, इक्वल टू आप फॉर्मूला लिखते हो 1/2 x1 फिर y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 और प्लस x3 y1 - y, ये होता है। अगर ये कोलिनियर कहे, क्या कहे, कोलिनियर, तो कोलिनियर का मतलब डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो जो ट्रायंगल एबीसी है, ये क्या होता है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आपको अगर जहां भी कोलिनियर की बात करें, तो सोचो ना, अगर कोलिनियर होने का मतलब क्या, एक ही लाइन हो जाए, एक ही अगर लाइन हो गया तो फिर एरिया इसका निकलेगा 0 हो जाएगा ना। भगवान, हमें ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए ऐसे कुछ चाहिए नहीं, जो भी ये आपके पॉइंट्स है, कोलिनियर नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कोलिनियर, तो कोलिनियर होगा कुछ, कोलिनियर का मतलब एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, अगर इनको ज्वाइन कर, तो स्ट्रेट लाइन पे तीनों आ जाएंगे, ऐसे स्ट्रेट लाइन पे। स्ट्रेट लाइन पे होने का मतलब क्या, हमें ट्रायंगल फॉर्म ही नहीं हो रहा, जब ट्रायंगल फॉर्म नहीं होगा तो उसका एरिया कितना होगा, 0 होगा। इसीलिए हम यहाँ करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्वल टू 0, यानी फाइनली आप क्या कर दो, जहां भी हो कोलिनियर, जहां भी केस है वहां डायरेक्ट 0 कर दोगे। यहाँ 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और बताओ y1 - y, ओके। और यहां से जो भी आपका, अब जो भी वैल्यू होगा रिक्वायरमेंट गिवन होगा ना, आप यहां से वैल्यू पुट करो, देन फाइंड होगा जो भी आपसे कहा गया। या तो डायरेक्ट कहेगा आप, ये आपको पॉइंट्स दे दिया जाएगा, कहेंगे दिखाइए कि ये जो भी है जो भी पॉइंट से कोलिनियर है, कोलिनियर होने का मतलब जो भी आप इसमें रखोगे ना, तो अगर इस एरिया ट्रायंगल 0 आ गया तो समझो सारे पॉइंट्स कोलिनियर है। अगर आप ये कहे कि आप के की वैल्यू बताए जिसके लिए कोलिनियर होगा, तो इसमें रख दो और वहां से के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपका, ये सब आपका है ना, एक्चुअली ये सब क्वेश्चन इसी से मैक्सिमम आ रहे होते हैं क्वेश्चन, समझ पा रहे। तो ये देखो, ये हमने आपको करा दिया, यस कोलिनियर वाला कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा अब ये देखो, ये कह रहा है कि क्वेश्चन में देख सकते हो, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ जस्ट, ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर दिस दिस एंड, ये कह रहा है अभी जस्ट हमने बताया है, ये आपको एक्चुअली किसका एरिया बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। देखो क्या क्वाड्रिलेटरल आप कंस्ट्रक्ट कर लो, मान लिया आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी, ओके। आपको ये बताना है फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल व्हिच वर्टिसेस आर टेकन इन ऑर्डर, ये कह रहा है जो इनके वर्टिसेस है उसको हम एक ऑर्डर में ले रहे हैं। ऑर्डर में लेने का मतलब, जैसे मान लो यहाँ ए है, ऐसे ऐसे सोचो, मतलब एक साइकिल में मूव करे, ऑर्डर में होने का मतलब एक साइकिल, जैसे मान लो ये ऐसे, मान लो ए यहाँ है, मान लो बी है, मान लो सी है और मान लो डी है, एक साइकिल में मूव, ये साइकिल को मतलब देखो ऐसे साइकिल चल रहा है ऐसे, समझ में आता है, ए आया फिर बी फिर सी फिर डी, ऐसा नहीं कि पहले ए है इसके बाद सी आ गया, ऐसा नहीं। या तो आप इसको भी साइकिल ऐसे ही करा सकते हो, ये ए है बी है सी है और डी है, साइकिल को ऐसे मूव करा दो, ऐसे मूव कराने के बाद इसकी देखो ये क्या होता है, ये आपका होता है एंटी क्लॉकवाइज, ये होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ऐसे अगर मूव करा दो साइकिल को ऐसे और ऐसे, तो ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये जो भी कह रहा है ना, ये कह रहा है कि सेम ऑर्डर होना चाहिए, सेम ऑर्डर होने का मतलब या तो एंटी क्लॉकवाइज में हो और या तो क्लॉकवाइज में, ठीक है। और समझ पा रहे, अगर ए है तो फिर ए की बात किसकी बारी, तो बी टू बी सी टू डी, या फिर यहाँ से आया तो ए टू डी, डी के बाद फिर सी, सी के बाद डी, तो सिंपल से कुछ नहीं, इसके यहाँ कोऑर्डिनेट लिख दो, फिर इसका कोऑर्डिनेट जो आपके यहाँ कोऑर्डिनेट लिखा है लिख सकते हो, इसका भी कोऑर्डिनेट। अब ये कह रहा है फाइंड एरिया आपको इस क्वाड्रिलेटरल का, इसका आपको क्या क्या बताना है, एरिया बताना है, एरिया। तो एरिया अगर आपको इसके बताना है, तो हमने आपसे क्या एडजस्ट कराया था,
आपसे मैंने यही कहा था ना, यहां से एक डायगनल टाइप का डिस्ट्रिक्ट, डायगनल यहां से क्या करोगे, ज्वाइन करा दोगे। जब यहां से डायगनल ज्वाइन कराओगे तो आपको फिर वही कॉन्सेप्ट बताया था, इसका एरिया फाइंड आउट करो इस पोर्शन का, ये पूरा तीन क्वारनेट गिवन है तो एरिया इज भी फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलरली आप इसका इस पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करो और फिर क्या करोगे, सबका एरिया निकालो फाइंड आउट करो और दोनों को फाइनल क्या कर दो, अरे ये और प्लस ये बीच में हमने प्लस, प्लस का मतलब ये ध्यान दो, प्लस का मतलब क्या समझ रहे हो, प्लस मतलब ऐड कर दो, यानी ये और प्लस ये, यानी फाइनली ऐड करोगे तो आपका एरिया क्वाड्रिलेटरल आपको इजीली फाइंड आउट हो। ओके देखो एक्चुअली ना हमने यहाँ आपका ये चैप्टर यस खत्म कर दिया, यानी एंड हो गया ये चैप्टर 2 के कंप्लीटली, हमने बिल्कुल सही से बताया, हर डेरिवेशन भी हमने कराया और अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होगे तो पक्का आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स कर सकते किसी भी बुक का। ठीक है तो हम मान चलते हैं यस क्वाड्रेंट ज्योमेट्री इज नाउ कंप्लीटेड। ओके फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद अ न्यू चैप्टर, पक्का चल ओके। Thank you.